हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है कल्याणी और स्वागत है आपका माय कलरफुल लाइफ चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वैक्स कैंडल्स, जिसमें आज हम ये देखने वाले हैं कि पैराफिन वैक्स, सोय वैक्स एंड जेल वैक्स, इन सबका टेक्स्चर कैसे है। साथ ही साथ आज हम ये भी देखने वाले हैं कि किस कैंडल की ड्यूरेशन कितनी होती है, मीन्स पैराफिन वैक्स की अगर कैंडल है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी जेल वैक्स की एंड सोय वैक्स की। तो यही आज हम इन्हें बनाने वाले हैं एंड इसमें कलर का इन्फ्यूजन भी करने वाले हैं ताकि हमें उसका टेक्चर भी देख सकें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है जेल वैक्स, देन ये है पैराफिन वैक्स एंड ये है सोया वैक्स। तीनों को हम मेल्ट करने के बाद इस कंटेनर में डालने वाले हैं एंड हम ये देखेंगे कि जेल वैक्स कैसे काम करता है, कितनी देर तक जलता है। पैराफिन वैक्स एंड सोया वैक्स, इन सब में हम एक ही कलर डालने वाले हैं एंड एक ही फ्रेग्रेंस डालने वाले हैं एंड हमें ये देखना है कि इन तीनों वैक्स में क्या फ़र्क है, तो इनका टेक्चर कैसे आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम वैक्स को मेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा गर्म करने रख दिया है एंड इस पर अब मैं इन सारे बाउल को प्लेस कर दूँगी एंड हम इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर तक। तो ये है हमारा सोया वैक्स एंड ये है पैराफिन वैक्स एंड ये है हमारा जेल वैक्स। अब मैं इसमें कलर ऐड करूँगी, एक ही कलर हम सब में ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा रेड कलर में और ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ा फेंट दिख रहा है, हमें थोड़ा डार्क चाहिए। पैराफिन वैक्स में कलर बहुत जल्दी घुल रहा है एज कम्पेयर टू अदर वैक्स। कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम डालेंगे अरोमा ऑयल। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये एशियन ऑरा का रोजी रोमांस अरोमा ऑयल। इन तीनों ही वैक्स में मैंने 4 से 5 ड्रॉप अरोमा ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड अब हम गैस को ऑफ कर देंगे एंड अब हम इन्हें कंटेनर में डालेंगे। ये हमारे कंटेनर हैं एंड मैं अभी इसकी जो विक है इन्हें बीच में प्लेस करते रही हूँ। अब मैं जो फर्स्ट डाल रही हूँ वो है हमारा जेल वैक्स। तो ये देखिए थोड़ा मैंने विक के ऊपर से डाला है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पैराफिन वैक्स थोड़ा बीच में, कंटेनर में पोर कर देंगे। अब मैं डालूंगी सोया वैक्स। थोड़ा वैक्स आपको विक के ऊपर से भी पोर करना है ताकि विक थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, अच्छे से वो स्ट्रेट खड़ी रहेगी। ये हमारा जेल वैक्स, ये है हमारा सोया वैक्स एंड ये है हमारा पैराफिन वैक्स। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ देंगे, जब ये सेट हो जाएगी तब हम इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी देर हो चुकी है, ये दोनों वैक्स भी अभी जमने के हैं बट पैराफिन वैक्स जल्दी से जमने लग गया है। ये पूरी तरह से जमा नहीं है, ये भी जमने का है क्योंकि अंदर से अभी भी लिक्विड इसमें दिख रहा है, बट देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी जमा नहीं है। बट ये जेल वैक्स है, जेल वैक्स जमने के बाद भी आपको ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा एंड ये देखिए आप हाथ लगाएंगे ये पूरी तरह से जम चुका है एंड ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है, ये देखिए। एंड ये वैक्स अगर आप देखेंगे तो अंदर से अभी भी गर्म है नीचे से एंड थोड़ा बीच में और भी इसे नरम है, ये और भी ठंडा होने का है पूरी तरह से। एंड ये है हमारा सोया वैक्स, आपको दिख रहा होगा ये देखिए अभी भी इसमें थोड़ा लिक्विड बाकी है, तो ये पूरी तरह अभी भी जमने का है। जब ये पूरी तरह से जम जाएंगे तो हम इन्हें फायर करेंगे एंड देखेंगे कि किसकी ड्यूरेशन कितनी देर तक है। तो ये देखिए हमारे कैंडल्स तैयार हैं। तो ये हमारा पैराफिन वैक्स वाला कैंडल एंड ये जेल वैक्स वाला एंड ये सोया वैक्स वाला। अगर आप पिक्चर देखें तो सोया वैक्स वाला कैंडल थोड़ा ब्राइट दिखता है,
एंड आप पैराफिन वाला कैंडल्स देख रहे हैं तो उसका टेक्चर एक जैसे नहीं आया है। ये देखिए कुछ इस तरह से आया है। एंड जेल कैंडल ट्रांसपेरेंट है जैसे हमेशा होता है। अब हम इन्हें जलाएंगे। जिसमें मैंने इन्हें गर्म किया था उसमें जो थोड़ा वैक्स बचा था उसमें भी मैंने एक विक डाल के उनकी भी कैंडल्स बना ली हैं। तो ये सोया वैक्स वाली कैंडल है एंड ये पैराफिन वैक्स वाली। तो आप देख सकते हैं इसमें भी सेम प्रॉब्लम हुआ है। इसका टेक्चर बिल्कुल एक जैसा नहीं आया है। बीच में वाइट एंड थोड़ा साइड में अलग कलर दिख रहा है। एंड सोया वैक्स का जो टेक्चर है वो थोड़ा डार्क हो चुका है। हमारा जेल वैक्स वाला देखिए जेल कितना शाइन कर रहा है एंड ये पूरा ट्रांसपेरेंट ही रहता है। जेल वैक्स पे मैं और एक दो वीडियो डालने वाली हूँ जिससे आप अपने घर को भी डेकोर कर सकेंगे या फिर किसी का बर्थडे है तब भी आप उसे डेकोर कर सकेंगे। एंड जेल वैक्स कैंडल आपको हमेशा कांच की ग्लास में या फिर कांच के ऐसे बाउल में ही बनानी पड़ेगी बिकॉज बाकी इसमें फिर उसका टेक्चर दिख के नहीं आता है। तो चलिए हम अभी इसे जलाते हैं। मैंने 4:51 पे कैंडल को जलाया था एंड अब हम देखेंगे ये कितनी देर तक जलते हैं। तो आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ये हमारा जेल वैक्स है, ये सोय वैक्स है एंड ये पैराफिन वैक्स की कैंडल थी। सबसे पहले सोया वैक्स कैंडल बुझ गई थी 5:42 पर। इट मीन्स वो 50 तक जली थी। देन जेल वैक्स कैंडल 6:14 पे बुझ गई थी। इट मीन्स लगभग 1.5 तक वो चली थी। देन सबसे लास्ट तक जली थी पैराफिन वैक्स कैंडल जो 6:31 तक जल रही थी। इट मीन्स वो 2.25 घंटे तक चली थी। तो ये आज के हमारे 3 कैंडल्स।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने देखा है पैराफिन वैक्स वाली कैंडल ज़्यादा देर तक जल रही थी, उसका ड्यूरेशन लगभग 1.25 घंटे का था। देन सो वैक्स वाली कैंडल सबसे पहले बुझ गई थी एंड उसके बाद जेल वैक्स वाली। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ, समथिंग मैजिकल। तो तब तक के लिए बाय बाय।